इस वीडियो में देखेंगे जानेंगे सबसे सिंपल एंड इजी इलेक्ट्रिकल अर्थिंग कैसे करते हैं जो प्रॉपर वर्क करे, पूरा जबरदस्त वर्क करे, क्या क्या मटेरियल लगता है और कितना लगता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं सिंपल इलेक्ट्रिकल अर्थिंग कैसे करे तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, गौर से देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो जैसे कि हमें यहाँ पे करना है अर्थिंग और यहाँ पे है हमारा कॉपर वायर और इस वायर की गेज की बात करें तो 8 नंबर मोटा है। ये mm में नहीं आता है, नंबर में आता है, 8 नंबर मोटा है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। और इसको थोड़ा सा हम रिंग बनाए हुए हैं इसलिए क्योंकि जो अर्थ हमारा होगा वो थोड़ा मजबूत होगा, पकड़ ज़्यादा बनाएगा। प्लेन भी डाला जाता है, बहुत सी जगह पे प्लेन भी डाल सकते हैं अगर इस तरह से रिंग बनाते हैं तो थोड़ा मजबूती अर्थ आपको ज़्यादा मिलेगा, पकड़ ज़्यादा बनाएगा। और इसकी गहराई की बात करें तो हमको 6 फीट करना है, जैसे 1 फीट यहाँ पर गड्ढा किए हैं और 5 फीट यहाँ पर हमको मिट्टी भरना है। जैसे कि ये घर का नेव है, हमारे यहाँ इसे नेव कहते हैं, कुर्सी कहते हैं, आपके यहाँ जो लैंग्वेज चलता है आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम इतना मिट्टी भर देंगे तो हमारा क्या हुआ, 5 फीट ये हो गया, 1 फीट गड्ढा किया है, 6 फीट हो गया। और वायर को यहाँ पे निकाल देंगे और वायरिंग करेंगे, झिरी काटेंगे, पाइप के थ्रू निकाल लेंगे, कनेक्शन कर लेंगे। अब यहाँ पे चलिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। इसमें एक चीज़ हम आपको दिखलाना चाहते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मिट्टी को हम हटा देते हैं थोड़ा सा, जो ये न्यू मिट्टी है फिलहाल जो भरा जा रहा है, नीचे जो है वो पुरानी मिट्टी है तो उसमें मजबूत ज़्यादा है और ये बैठेगा तो ये भी तो मजबूत हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो इस तरह से हम वायर को थोड़ा सा सीधा खड़ा किए हुए हैं इसलिए क्योंकि इसको नीचे का पर्सन ले जा करके इसको जो नीचे वाला मिट्टी है उसमें हमको मोड़ देना है, ठीक है। और ये जो राउंड लिया है ये चारों साइड से हमारा पकड़ बनाएगा, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हम खड़ा किए हुए हैं सबसे पहले इसको दबाएंगे नीचे मिट्टी में, आसानी से दब जाता है। मैक्सिमम आपको 50 mm से ज़्यादा रखना है, 100 mm अगर रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह से हम अंदर डाल दिए, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वायर को भी थोड़ा सा इस तरह से मोड़ देंगे, खड़ा कर देंगे ताकि हमारा सीधा निकल जाए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नमक डालेंगे जो साल्ट होता है। यहाँ पे चारकोल काला कोयला हम नहीं डाल रहे हैं, आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम सिर्फ नमक डाल रहे हैं नमी के लिए, अगर काला कोयला है आपके पास तो आप यूज कीजिए, नहीं तो नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ डालेंगे ही, क्योंकि हम अर्थ जो ये कर रहे हैं घर के सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, प्लस लाइट भी चलाना चाहे तो चला सकते हैं। हमें कोई बड़ा प्लांट में या कोई ऐसी बड़ी चीज़ जैसे अरेस्टर वगैरह या ट्रांसफार्मर में नहीं यूज करना है, इसलिए हम सिर्फ नमक डाल रहे हैं। तो इस अर्थिंग से हमारा काम चल सकता है, घर की वायरिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जितना हमारा नमक है हम सबको इस तरह से डाल देंगे, उसके बाद इसमें मिट्टी डालेंगे। एक चीज़ और, अगर इस तरह की अर्थिंग आप कर रहे हैं 5 से 6 फीट और कॉपर वायर इस तरह का डाल रहे हैं तो मैक्सिमम 3 किलो से कम नमक मत डालिए, 3 किलो 5 किलो डाल दीजिए, बहुत है, 5 किलो से ज़्यादा भी मत डालिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी हम भर दिए हैं, अब इसके बाद इस पर सबसे पहले हम पानी डालेंगे, ज़्यादा मिट्टी नहीं भरेंगे, हमेशा ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा, उसके बाद इसमें पानी डालेंगे क्योंकि इसमें बाद में पानी तो डाल नहीं पाएंगे तो ज़रूरी है थोड़ा सा यहाँ पे पानी डालना। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पानी डाल दिए हैं थोड़ा सा, आप भी इसी तरह से डाल लीजिए। अब यहाँ पे देखिए पानी कितना हो आप डाल सकते हैं, क्योंकि सब तो सूख जाना है, मैक्सिमम 5 लीटर 10 लीटर डाल दीजिए, उतना ज़्यादा भी नहीं, आप ज़्यादा भी डालिएगा तो वो सूख जाएगा, लेकिन ज़रूरी है 5 से 10 लीटर पानी डालना। और उसके बाद यहाँ इसको मिट्टी से हम भर देंगे। अब यहाँ पे तो हम पानी डाल दिए हुए हैं और यहाँ मिट्टी भर रहा है और ये जो वायर निकला है इसी वायर में बाद में झिरी की कटिंग करेंगे वॉल में और पाइप के थ्रू क्या करेंगे, वायर को कनेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे मिट्टी हमारा भर गया, ये 6 फीट अर्थिंग हो गया। तो इस तरह से आप कॉपर वायर की अर्थिंग कर सकते हैं चीप एंड बेस्ट, यानी बिल्कुल सिंपल कम खर्च में। और भी इलेक्ट्रिकल अर्थिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत तरह के इलेक्ट्रिकल अर्थिंग होते हैं तो कुछ वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और इसी तरह के नॉलेज के लिए अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद जो घंटी का आइकन आएगा उसे दबा के उसका नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए और देखिए इसी तरह के इलेक्ट्रिकल वीडियो सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इलेक्ट्रिकल टॉपिक पर।